प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए 12 दिनों में इतिहास रच दिया है। यह फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी में है। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म कल्कि 2898 एडी ने ओपनिंग के मामले में झंडे गाड़ दिए थे। पूरे हफ्ते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई रही और अब ये फिल्म दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। दूसरे वीकेंड पर फिल्म वर्ल्ड वाइज आसानी से 800 करोड़ क्लब में शामिल हो गई थी। हालांकि रिलीज के 12वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया है। अब ये साइंस फिक्शन फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये के जादू आंकड़े की ओर बढ़ रही है। 27 जून को रिलीज फिल्म कल्कि 2898 एडी के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। नाग अश्विन निर्देशित फिल्म दुनिया भर के ऑडियंस का दिल जीत रही है। खास बात यह भी है कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया है। करीब 600 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ जैसी भाषाओं में रिलीज हुई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।